शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ बड़ी बेसब्री से अपने चहेते सुपरस्टार समीर खान का इंतजार कर रही है। जी हाँ, आज की रात समीर खान की जीवनी पर लिखी गई किताब द बायोग्राफी ऑफ एन एक्टर रिलीज हो रही है। लीजिए, वो आ गए हैं, द ग्रेटेस्ट एक्शन हीरो, द सुपरस्टार समीर खान। आदरणीय सज्जनों, भाई और बहनों, जब बाबा जी ने मेरी जीवनी लिखने की इच्छा प्रकट की तो मुझे बहुत शर्म आई। मैं एक छोटे से शहर का मामूली सा आदमी हूं, लेकिन बाबा जी का आग्रह था कि मेरी जीवनी पढ़कर नई पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलेगी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। इसका पूरा श्रेय बाबा जी को है। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहा करते थे और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और घर में बिजली भी नहीं थी। मैं रात रात भर सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई किया करता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास। वहीं घर के पास इस्माइल चाचा की चाय की दुकान थी, वहां झूठी प्लेटें धो लिया करता था और पैसे कमा लिया करता था। सुनने में आप लोगों को यह सब बहुत फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन यही मेरी जिंदगी का सच है। आपने जीवन में इतनी तकलीफें झेली हैं, जो भी पढ़ेगा इमोशनल हो ही जाएगा। मैंने उतनी नहीं झेली जितना आपने लिखा है। जी जी हाँ, वो क्या है कि आम आदमी को कामयाब आदमी की दुख भरी कहानी सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है। तो फिर आपने मुझसे जो कहा, आपकी तकलीफें, लैंप पोस्ट की बातें, वो सब झूठ, तो सच क्या है? सच वो चेक है जो आपको मिला। चेस। क्या बात है, क्या मुबारक हो यार। थैंक्स 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 ब्रो, थैंक्स। बायोग्राफी छप गई? अरे तेरी फिल्म देखी यार, सुपरहिट हो गई। सुना क्या बात, क्या काम किया तूने? नहीं यार साले, कैसे कर लेते हो तुम लोग ये सब? इस बार के सारे अवार्ड्स तेरे हैं। अरे नहीं यार, तेरे होते हुए कहाँ अवार्ड। अरे छोड़ यार, इस बार का अवार्ड भी तेरा ही पक्का है। नहीं यार। अरे हाँ, तेरी फिल्म का टीजर देखा मैंने। अच्छा लगा? अमेजिंग यार, क्या परफॉर्मेंस की है तुमने। अच्छा गया तो था। देशपांडे जी, आई विल सी यू। हाँ हाँ प्रोड़े साला, बायोग्राफी में सब झूठ लिखा हुआ। झूठ लिखा, आदमी खराब, एक्टर उससे भी खराब। इसकी नई फिल्म का टीजर देखा मैंने, तो शो नहीं चलने वाला, एक आदमी नहीं जाने वाला थिएटर में। इसका तो पैकअप है, पैकअप। सुना पहले शो के बाद ही इसकी पिक्चर ड्रॉप हो गई? हाँ मैंने भी सुना है। मंडे तो बोलते नो शो हो जाएगा। सर जी, सानिया। हाय। ओह माय गॉड सर, सर आई कांट बिलीव दिस, सर आई कांट बिलीव दिस। बिलीव कर लो, यही है वो। सर, सर आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर सर, यू सिंपली ग्रेट, यू ग्रेट सर, यू ग्रेट। ग्रेट पे छोड़ो, काम की बात करो ना। काम? अरे अब्रार साहब। ओह ओह सर, एक्चुअली अब्रार साहब आपके साथ म्यूजिकल बना रहे हैं। हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसमें हीरोइन का रोल दे दे। व्हाट? तुम जो कर सकती हो वो बताओ। गाड़ी में क्या क्या बोल रही थी बोलो। सर सर मुझे बहुत सारे डांस टाइप्स आते हैं सर, सर मुझे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सब कुछ आता है सर। सर मैं वेस्टर्न डांसिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। आई एम श्योर सर, आप उनसे बात करेंगे तो वो ये रोल मुझे जरूर दे देंगे। लेकिन मैं बेशक सर आप इसका ऑडिशन लेंगे। बोलो ऑडिशन दोगी कि नहीं दोगी? दोगी कि नहीं दोगी? हां सर, एनी डे एनी टाइम। एनी डे एनी टाइम बोल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हां तुम्हें थैंक यू बोलो। थैंक यू। ए डिसलवा, थैंक यू। फोटो खींचो, फोटो खींचो सर, प्लीज सर। हाथ खोलो, हाथ खोलो। सच ये है कि आपका क्लाइंट बहुत पैसे वाला है, जो आप जैसा बड़ा वकील हायर कर सकता है, गवाहें खरीद सकता है, सबूत मिटा सकता है। और सच ये है कि आपने इसी बात का फायदा उठाया। तुम अच्छा आगे बढ़ रहे हो। और सच ये है कि इस पाप और नाइंसाफी के जिम्मेदार हम वकील हैं। तुम होगे, तुम, मैं नहीं।
अगर इस लड़ाई में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही तो मैं कहना चाहता हूँ सर, कि क्या यह अदालत दो वकीलों के बीच मुकाबले का, उनके दांव पे दिखाने का अखाड़ा भरे और कुछ नहीं? हमने एक काला कोट पहनते वक्त कसम खाई थी सर कि हम सच का साथ देंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ दिलाना, इंसाफ करना अदालत का काम है, मेरा नहीं। मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ और अदालत ने इंसाफ किया। इस अदालत से बड़ी एक और अदालत है सर, जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, और वो है इंसान का अपना जमीर। और एक दिन आपको भी इस अदालत के सामने पेश होना है। ये सब किताबी बातें हैं, जिंदगी में इधर कोई मायने नहीं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, कामयाबी, और जो कामयाब है वही सही है। ओके दैट्स इट, थैंक यू। क्या हुआ समीर जी? नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड वर्क तुषार, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। सर अगला सीन देख लेते, आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुषार ने क्या काम किया है? मार्क माय वर्ड्स, इस फिल्म से तुम निकल जाओगे। थैंक यू अगेन सर, बाय बाय सर। ओके बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। वेरी गुड फिल्म, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बाहर आनंद बाबू अभी भी बैठे, अभी तक भगाया नहीं तुमने उन्हें, अब कोई काम ठीक से होता नहीं तुमसे। और सर अच्छी लगी ना फिल्म? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुषार का रोल तो बहुत अच्छा है, छाया हुआ पूरी पिक्चर में। आपने अपनी अगली पिक्चर का हीरो खड़ा कर दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, हमारी अगली फिल्म में तो आप काम कर रहे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे भी ले लिए हैं, अनाउंसमेंट भी कर दिया सर। तुषार अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, आप अपनी अगली पिक्चर उसी के साथ बनाइए, क्यों ना रहे? अब उसी के साथ पिक्चर बनाइए आप। चलता हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर आपने मेरी फिल्म में काम नहीं किया। इशारा समझो, छोकरे का रोल काटो नहीं तो खुद कट जाओगे। समझ गया, काट दिया। हैं, ऐसे कैसे काट सकते हैं सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो। अरे स्क्रिप्ट गई ऐसी तैसी में, और मेरी डायरेक्शन का क्या? अरे डायरेक्शन गया कदैया के उसमें, अब आप वही करेंगे जो कि मैं कहूंगा। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अब आप वही करेंगे जो हीरो कहेगा। पापा समीर जी। समीर बेटे। अरे दादा आप कब आए? यही कुछ एक डेढ़ घंटा हुआ। एक डेढ़ घंटा हो गया? किसने? नारायण तुमने मुझे बताया नहीं आनंद बाबू आए। अरे सॉरी, वो आप ना। शट अप, जानते हो ये कौन है? इतने सीनियर डायरेक्टर है, कितने लोगों को इंडस्ट्री में खड़ा किया इन्होंने, और तुमने इन्हें ही बार खड़ा कर दिया, बड़ी फूल। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ आराम ही कर रहा था बैठा हुआ। ये मेरी पोती है नंदिनी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे साथ चली आई। दादा आपने मुझे बुला लिया होता, हुक्म कीजिए। एक साल पहले मैंने एक स्क्रिप्ट दिया था, पढ़ा होगा आपने शायद। हाँ दादा, हाँ हाँ। मेरी 20 साल की तपस्या है, उस पर बेस करके मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। इट बी वेरी गुड फिल्म, यू विल बी प्राउड ऑफ इट। मेरी दो पोतियाँ हैं, जाते जाते मैं इनके लिए कुछ कर जाना चाहता हूँ। दादा कब शुरू करना चाहते हैं? जब आप कहें। नारायण सर 1.5 साल तक तो। चुप रहो। जनवरी फरवरी मार्च ठीक है आपके लिए? हाँ थैंक यू। स्टार्ट टू फिनिश। मैंने कहा था ना जल्दी करनी पड़ेगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल गेट द बेस्ट ऑफ द यूनिट, अच्छे से लोग इकट्ठे करके, अच्छे से राइटर इकट्ठे करके, अच्छा म्यूजिकेटर लेकर ये पिक्चर बनाऊंगा। इट बी द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर मेड, मे बी माई लास्ट फिल्म। अरे दादा आप ये सब छोड़िए और एक्शन बोलिए। एक्शन। सर करीना ने कहा है कि आधे घंटे में चली जाएगी वो। जानता हूँ। 3 महीने तक नहीं आएगी सर। अरे मैं 6 महीने से जानता हूँ, लेकिन वो डिशम की औलाद वहाँ से हटे तो मैं। समीर जी हटेंगे फिर मैं बात करता हूँ, जाओ तुम जाओ। क्या बात है सर जी? नहीं। चोपड़ा साहब जस सर। हेलो सर, थैंक यू सर। नहीं सर, अरे सर पैसे जो आप दें, डेट जो आप लें। जैन फेब मार्च डन सर। ठीक है सर मैं आता हूँ। ओके जैन फेब मार्च, चोपड़ा साहब के साथ शूटिंग करेंगे तो सर जी हमने आनंद बाबू को डेट दे दिया, उनकी शूटिंग का क्या हुआ? तुमने सीरियसली उनको डेट दी? अरे सर जी आप मतलब इतना रियल एक्टिंग करते हैं ना, मैं भी धोखा खा जाता हूँ। आप ही आगे बता दीजिए कि अब आनंद बाबू आएंगे तो क्या बोलेंगे उनको। तो 6 महीने बाद की डेट दे देना। 6 महीने बाद आएंगे तो? तो उसके 6 महीने बाद की डेट दे। वेरी गुड वेरी गुड, हम डेट आगे बढ़ाते जाएंगे, एक दिन आनंद बाबू खुद ही बढ़ जाएंगे। सानिया मैडम आई हुई है, वैन में बिठा दिया है, ऑडिशन डायरेक्टर से बोलो मैं थोड़ी देर जी मैं कर दूंगा, देख लूंगा। उसे 10 मिनट लगेगा जी। कुर्सी दो इनको, कुर्सी दो इनको। What I am saying is कि उसका जो पूरा जॉब जिस तरीके से हम लोग करने चाह रहे हैं। सर आप बात करोगे ना मेरे बारे में?
ये क्या टाइम पास चल रहा है? मैं तवायफ हूँ, एक घंटे से शॉट लगा के वहाँ पर मुजरा कर रहा हूँ और आ ही नहीं रहे आप। दस मिनट काहे का 10 मिनट? अरे प्रोड्यूसर बेचारा इंटरेस्ट भर भर के फिल्म से इंटरेस्ट गवा चुका है। अरे अगर हीरोइन चली गई 3 महीने तक वापस नहीं आएगी सर। हीरोइन चली गई। अरे 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 बर्फ ला मध्य में बर्फ लगाना। फिर वही हो गया, बर्फ ला नहीं तो बर्फ पे लेटाना पड़ेगा। हीरोइन चली गई। हाय समीर। अरे श्रीवास्तव जी कब आए? 4 घंटे से बैठा हूँ। No, I don't want to do it. सर आज का डेडलाइन नहीं यार। कॉस्ट्यूम सर? आप मेरी स्क्रिप्ट सुन लेते तो। इनका स्क्रिप्ट रख लो। सर लेकिन। हाँ ही संजय, टेल मी। सर स्क्रिप्ट। सुनो भाई, मेरा नया एड। घिसता हूँ हर सुबह खचाकच खचाकच। हंसता हूँ सारा दिन चकाचक चकाचक। भालू छाप काला दंत मंजन मेरा फेवरेट। हंसते क्या हो यार? जिंदगी में कोई दंत मंजन इस्तेमाल किया है समीर? तुम्हें क्या लगता है स्टार्स जो प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं उसे यूज भी करते हैं? उस स्टार ने तो वो तेल सूंघा भी नहीं होगा जिसे वो बेचता है। क्या ठंडा क्या कूल। साहब, बाबा और मैडम आपका इंतजार करके चले गए। आंसरिंग मशीन में उनका मैसेज है। रोहित को बड़ी उम्मीद थी कि तुम उसके स्कूल फंक्शन में साथ आओगे। इंतजार करता रहा। पहली बार स्टेज पर जा रहा है, वक्त मिले तो जरूर फोन कर लेना। हेलो। हाँ रोहित बेटा, सॉरी बेटा मैं लेट हो गया। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई तुमने, पापा को बिल्कुल सुपरमैन बना दिया। हाँ बेटा अच्छा परफॉर्मेंस देना। ओके माय सुपर बॉय, लव यू।